तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। मैं बीजेपी वालों वो सिखा रहा हूँ परिभाषा क्या है, क्योंकि तुमने संविधान तो पढ़ाना होगा, ये रहा भारत का संविधान बाबत, तुम तो पकड़ पकड़ करो, तुम्हें कुछ आवे नहीं जावे नहीं, बता रहा हूँ ये भारत का संविधान है, इसमें बाबा साहब ने लिखा था कि हमारा भारत का देश लोकतांत्रिक देश है और धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश की परिभाषा ये है, सुन लो अच्छी तरह, कि कोई भी सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा और ना वो किसी भी धर्म को प्रमोट करेगी। तुम सीधे सीधे एक हिंदू धर्म को दे रहे हो, और ये संविधान में आर्टिकल 51A ये कहता है कि लोगों को भाईचारा बनाओगे, लोगों में वैज्ञानिक चेतना भरोगे, जितने भी पाखंडवाद को सबको खत्म कर दोगे, जितने आप लोगों को तांत्रिक वंत्रिक विद्या में जो ये जितने बाबा छोड़ रखे हैं, ये चिलमी नशेड़ी भंग, इनको तुम ये कहोगे कि तुम सीधी सीधी बात करो संविधान की, और हिंदुओं को दे दिया मंदिर में घंटा बजाए जा, वहाँ कुछ ना रखा। अरे घंटा बजाता है मंदिर में कुछ होता तो आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री क्यों बनता, फिर तो वो वहीं पर गोरखनाथ मंदिर में घंटा बजाता रहता। ये 25 करोड़ मुसलमानों का तुम क्या उखाड़ लोगों ने, बताओ यार क्या कर लोगे तुम मुसलमानों का, बताओ, तुम केवल अपनी रोटी सेक रहे हो और बाकी हिंदुओं का मेंटल बना के। तो इनकी चाल यही है, हिंदू मुस्लिम करवाते रहो और धर्म की अफीम लोगों को चटाते रहो, कुछ चंद लोग हैं उनको टुकड़ा फेंकते रहो, कातिया के कुत्ते बने पड़े हैं कुछ, आराम से पट्टा बना, आराम से उनको टुकड़े देते रहो, वो कुछ बोलेंगे ना, ठीक है ना। और हिंदू मुस्लिम के बीच में जो राड़ करवा रहा उसे हटाओ, जो देश को बर्बाद करने में जो लगा पड़ा उसे बीच में से सरकारों को हटाओ, ठीक है ना, जो वैमनस्य पैदा कर रहा है और जो बीच में इस तरह की खबर फैला रहे हैं, मेन मीडिया जो है उसे बिल्कुल मत देखो, बंद कर दो बिल्कुल, कतई टीवी देखना बंद कर दो, टीवी पर सिवा तुम्हें बकबक के सिवा कुछ मिलेगा ही नहीं, हिंदू मुस्लिम और कुछ है ही नहीं। सर अभी अमित शाह का एक स्टेटमेंट आता है तेलंगाना में कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो मुस्लिमों का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, और जबकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश की तुम्हें मैं बीजेपी वालों वो सिखा रहा हूँ परिभाषा क्या है, क्योंकि तुमने संविधान तो पढ़ाना होगा, ये रहा भारत का संविधान बाबत, तुम तो पकड़ पकड़ करो, तुम्हें कुछ आवे नहीं जावे नहीं, अनपढ़ मैं अंगूठा टेक कुछ जानू लिखना पढ़ना जानू ना, मैं बता रहा हूँ ये भारत का संविधान है, इसमें बाबा साहब ने लिखा था कि हमारा भारत का देश लोकतांत्रिक देश है और धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश की परिभाषा ये है, सुन लो अच्छी तरह, कि कोई भी सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा और ना वो किसी भी धर्म को प्रमोट करेगी। सीधे सीधे धर्मनिरपेक्ष देश कानून का भारत का संविधान ये कहता है, बाबा साहब ने लिखा था, हम तुम्हें बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम LLM PhD हम बता रहे हैं, तुम्हें समझ रहे हो ना, कि तुम किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करोगे, ये कहा है। तुम सीधे सीधे एक हिंदू धर्म को दे रहे हो, और भारत के जितने भी जो वो हैं मूल कर्तव्य, भारत के संविधान में आर्टिकल 51A ये कहता है कि लोगों को भाईचारा बनाओगे, लोगों में वैज्ञानिक चेतना भरोगे, जितने भी पाखंडवाद को सबको खत्म कर दोगे, जितने आप लोगों को तांत्रिक वंत्रिक विद्या में जो ये जितने बाबा छोड़ रखे हैं, ये चिलमी नशेड़ी भंगड़ी, इनको तुम ये कहोगे कि तुम सीधी सीधी बात करो संविधान की, भगवान भगवान और धर्म परम छोड़ दो, समझ रहे हो ना, मेन बात पर आ जाओ, भारत का वो चाहते हो, और आ जाओ, अब मैं झूठे हिंदू की बात कर रहा हूँ, जितने OBC वाले हैं ना, ये हिंदू हैं, इन्हें तुम्हारा बर्बाद कर दिए, तुम्हारे अधिकार खराब खत्म कर दिए, तुम्हारे पूर्वजन से मार पीट के तो राज छीना इन्होंने, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, इन्हें क्यों बार बार वोट देकर आ जाते हो। कहाँ रिजर्वेशन दिया, कहाँ रिजर्वेशन, 10% रिजर्वेशन WS का इतनी ये था, इन्होंने इतनी जल्दी लागू करा, उसमें 450 IAS इंटरनल नीचे से भर्ती कर दिया, अनपढ़ गुटा टेक IAS बना दिए, जिसमें जो लोकसभा अध्यक्ष है ना उसकी बेटी भी IAS बना दी, बिना एग्जाम, बिना प्री मेंस इंटरव्यू, विदाउट इंटरव्यू, सीधे जाओ, सीधे बैठो, खूब चल रही है, खूब धज्जी उड़ाई जा रही है संविधान की, UPSC के थ्रू होती है जो कि भर्ती IAS की, ये डायरेक्ट सेक्रेटरी बना रहे हैं, समझ रहे हो, ये अपने अपने लोगों को बैठाने का काम कर रहे हैं, और हिंदुओं को दे दिया मंदिर में घंटा बजाए जा, वहाँ कुछ ना रखा। अरे घंटा बजाता है मंदिर में कुछ होता तो आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री क्यों बनता, फिर तो वो वहीं पर गोरखनाथ मंदिर में घंटा बजाता रहता, बाबा तो बन रहे हैं, देश की सत्ता को संभाल रहे हैं और तुम्हें बाबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझो जरा, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात कड़वी तो लगती है लेकिन सच्चाई है मेरी बात में, आप समझ जाओ, तो बीजेपी वालों के चक्कर में ना पड़ो, इन्होंने पूरी गैंग भेज रखी है तुम्हें मेंटल बनाने के लिए, तो इसलिए मैं ज़्यादा ना कहते हुए कह रहा हूँ, आप समझ जाओ, 2024 में तुम्हारे पास मौका है, इस सरकार को अलग करो, कोई बढ़िया सी सरकार लाओ जिसमें युवाओं का भविष्य यार अच्छी तरह चमके, देश चमके, डेवलपमेंट हो। मैं कह रहा हूँ अब तक बीजेपी को कम से कम 10 साल में 100 तो एम्स बना देने चाहिए थे और 100 यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तैयार कर देनी चाहिए थी, कम से कम बता रहा हूँ मैं, इन्होंने ना तो एक भी एम्स तैयार करा, एक आधा बना रहे हैं और एक आधी यूनिवर्सिटी बनाई होगी मुश्किल से, जो काम करने के उन्हें तो करना रहे, पब्लिक मरवा रहे हैं आपस में लड़ लड़ के, और जनसंख्या नियंत्रण पर कोई बात है इनकी, पॉल्यूशन पर, पॉपुलेशन पर कुछ है इनका कोई रूप, कुछ एजेंडा ही नहीं है, कितने बढ़ाए जाओ, चीन पार तो करके 144-142 करोड़ हो गए। सुरेश चौहान के कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए होना चाहिए क्योंकि मोमडन की जो आबादी है वो बढ़ रही है, बाकी सब सही चल रहे हैं। अच्छा, मुसलमानों के पीछे पड़ रहे हैं, मुसलमानों का देश ना, ये
देश को, भारत को आज़ाद जो कराया था मुसलमानों ने कराया था क्या, वो यहाँ से कैसे चले जाएंगे बताइए? 25 करोड़ मुसलमानों का तुम क्या उखाड़ लोगों ने बताओ यार, क्या कर लोगे तुम मुसलमानों का बताओ? तुम केवल अपनी रोटी सेक रहे हो और बाकी हिंदुओं का मेंटल बना के 10% लोगों ने पूरा कब्जा कर लिया। क्यों कर लिया? इस तरह के डायलॉग मारते रहते हैं हिंदू मुसलमानों के खिलाफ कर करके, और सारी पैसा ले रहे हैं जितना भी मोटा इन्होंने मिलाई मार लिया, सारी जितने की जितनी मार लिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि इनकी चाल को समझो। चाल कौन समझेगा? जो पढ़ा लिखा होगा। पढ़ा लिखा कौन होगा? जो बाबा साहब ने बताया था, पहले शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो जो शिक्षित होगा वही तो इनकी चाल समझ सकता है कि ये चाहते क्या है। तो इनकी चाल यही है, हिंदू मुस्लिम करवाते रहो और धर्म की अफीम लोगों को चटाते रहो। कुछ चंद लोग हैं उनको टुकड़ा फेंकते रहो, कातिया के कुत्ते बने पड़े हैं कुछ, आराम से पट्टा बना, आराम से उनको टुकड़े देते रहो, वो कुछ बोलेंगे ना। और देश में जो चल रहा है ऐसे चलने दो। कोई 10 साल में कोई डेवलपमेंट हुआ? नीचे ले आए देश में, और आगे 5 साल को और आगे ना तो सुपड़ा हिसाब कर देंगे, बिल्कुल गड़क कर देंगे देश का। उत्तर प्रदेश में अभी ईद के मौके पर 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है मेरठ में, क्योंकि उन्होंने सड़क पर नमाज पढ़ी थी। अब लोगों का ये मानना है कि क्या ये सिर्फ मुस्लिम धर्म के लिए ही है या बाकी धर्मों के लिए भी है जो अपने त्योहार सड़क पर? इन्हें ना देश से मतलब, ना इन्हें मुसलमानों से मतलब, ना इन्हें हिंदुओं से मतलब, ना ओबीसी से मतलब, ना एससी से मतलब, ना एसटी से मतलब, ना सरदारों से मतलब, इन्हें किसी से मतलब ना, इन्हें केवल अपने आप से मतलब है। केवल 2024 का माहौल बना जा रहा है। कोई नमाज पढ़ रहा है के खिलाफ में लगा रहे हैं, कोई गाय वैसे ही ले जा रहा है उसके खिलाफ में डाल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है ये ना देश से प्यार ना, ये इस देश के होते, इस देश के मूल निवासी होते तो ना देश से प्यार होता। तो जो देश के मूल निवासी है ओबीसी वर्ग, जिसे मैं अदर बैकवर्ड कहता हूँ, जिसमें जाट है, गुजर, मतलब मैं सबकी बात बता रहा हूँ, जो तुम राजा होने चाहिए थे, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए था? जाट होना चाहिए था। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए था? यादव होना चाहिए था। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए था? गुजर होना चाहिए था। प्रधानमंत्री त्यागी होना चाहिए था। प्रधानमंत्री ओबीसी शाक्य होना चाहिए था। अरे काहे का झूठा ओबीसी प्रधानमंत्री यार? मैंने का सर्टिफिकेट देख लिया क्या? मैंने एमए की डिग्री देख ली उसकी? अच्छा झूठा बोलता, मैं कहने लगूं मैं मोदी के खानदान से हूं तो मान लोगे तुम? बताइए आप यार, बताइए। मैं कहने लगा मैं रात बाबा साहब अंबेडकर मेरे सपने में आए, वो यूँ कह गए देश का प्रधानमंत्री बनना तेरे को, तो बना देंगे मेरे को प्रधानमंत्री? बताइए। तो मैं कह रहा हूँ जो सच्चाई है वो सच्चाई ये है, सच्चाई को समझो, जानो, अच्छी तरह पहचानो सच्चाई को है क्या। तुम्हारे साथ में खेल खेला जा रहा है, उस चाल को समझो आप मैं ये नहीं कह रहा तुम भगवानों से प्यार मत करो या पूजा मत करो या मंदिर में मत जाओ, भाई जो कुछ करना करो। भगवान और भगत के बीच का कैसा संबंध है वो भगवान जाने या भगत जाने। ये बीच में उल्लू के पट्टे ये जो लगा रखे हैं खानों का चमचे, ये मेरा कहने का मतलब एजेंट भगवान के बीच में, तू किसने बुला लिया भाई? तुझे कौन ने पदवी दे दी? तू कहाँ से एजेंट बन गया? मैं जैसे भगवान बुद्ध को जानता हूँ, ठीक है ना? तो मैं बीच में कोई नुकर लगा, मैं पंडित हूँ, मैं पुरोहित हूँ तुम्हारा, मैं पूजा करवाऊंगा, भाई तू उसमें क्या अलजबरा का सूत्र लगाएगा? बता तू क्या करेगा? उसे तो हम भी कर लेंगे पूजा, घंटा तो हम भी बजा लेंगे। जा घंटा तू बजा रहा है और जा आरती उतार रहा है वो तो हम भी उतारते चले आए, हमारे पूर्वज उतारते चले आए। तो तू बीच में किसने लगा दिया? तो ये बीच वाला जो एजेंट है इसको हटाओ, ठीक है ना? और हिंदू मुस्लिम के बीच में जो राड़ करवा रहा है उसे हटाओ, जो देश को बर्बाद करने में जो लगा पड़ा उसे बीच में से सरकारों को हटाओ, ठीक है ना? जो वेमनेस से पैदा कर रहा है और जो बीच में इस तरह की खबर फैला रहे हैं मेन मीडिया जो है उसे बिल्कुल मत देखो, बंद कर दो बिल्कुल, कतई टीवी देखना बंद कर दो। टीवी पे सिवा तुम्हें बकबक के सिवा कुछ मिलेगा ही नहीं, हिंदू मुस्लिम और कुछ है ही नहीं। जर कहाँ कहाँ से लेके आएंगे? मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता साथियों, केवल इनका केवल अशांति फैलाना और 2024 का माहौल बनाना है। आप समझ जाओ अभी मौका है, देश को बचा लो युवाओं, क्योंकि देश तुम्हारे हाथों में होगा तो सब कुछ होगा। इन बुड्ढे से देश छीनो और इन्हें भगाओ, पर सीधा सीधा रास्ता है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।